हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑन क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर एज शोन इन द फिगर। If green light is just totally internally reflected, then the emerging ray in air contains. यहां भी आपको फिगर दिया है, एक व्हाइट रे इंसिडेंट हो रहा है यहां पे, ये ग्लास है, ये एयर है, और ग्रीन लाइट जो है ग्रेजिंग इमर्जेंस है, मतलब इसका रिफ्रेक्शन एंगल 90 डिग्री दिया है। तो अब ये कह रहा है, इस केस के बाद कह रहा है कि इमर्जिंग रे इन एयर कंटेंस, मतलब एयर में कौन सा रे है वो आपको बताना है। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन में ये फिगर आप देखिए, इससे जितने टाइम का क्वेश्चन इस कंसेप्ट में बन सकते हैं सब यहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये ग्लास है, ये एयर है, व्हाइट रे यहां पे इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट एंगल आई है। अब यहां से देखिए, अब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो ये नॉर्मल से दूर हटेंगी, तो दूर हटेंगी तो दूर तो सभी हट रही हैं। दूर हटते हटते एक केस आता है ये ग्रीन का, ग्रीन तो ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाएगा जिसका रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन आर का, आर जो है सबसे कम दूर हटता है, उसके बाद ऑरेंज है, उसके बाद येलो है, और जी के लिए आर 90 हो जाता है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद इंडिगो है, और सबसे ज्यादा जो हो जाता है बेंड होता है वो है वायलेट। तो एयर में यही तीन कलर मिलते हैं, रेड ऑरेंज और येलो। तो रेड ऑरेंज और येलो, तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट है जो क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दें। तो कॉन्सेप्ट हम जाते हैं, जब रे जो है डेंसर से रेयर में जाती है तो रे नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। हम लोग ये भी कॉन्सेप्ट जानते हैं कि व्हाइट रे में सभी कलर मौजूद होते हैं, व्हाइट रे में सभी कलर मौजूद होते हैं, तो कलर जो है इस प्रकार से बट जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसमें रेड जो है सबसे कम दूर हटता है, उसके बाद ऑरेंज का, उसके बाद येलो का, और ग्रीन का, ग्रीन का जो है आर 90 डिग्री हो जाता है। यस, सबसे ज्यादा जो बेंड होता है नॉर्मल से दूर हटता है वो होता है वायलेट का, और सबसे कम रेड का, ये भी ध्यान देना है। तो ये वास्तविक फिगर है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इससे और कितने कंसेप्ट बनेंगे वो देखें। तो इस टाइप का कहीं भी केस मिल जाए तो आपको ध्यान देना है, एयर में रहेगा कौन, येलो ऑरेंज और रेड, ये एयर में रहेगा, और डेंसर मीडियम में ही कितने लोग वापस आ जाएंगे, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जितने का होगा होगा ब्लू, इंडिगो और वायलेट का। ये वास्तविक फिगर है, इसे दिमाग में आपको रखना होगा, ध्यान दें। यहां लिखा देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनके लिए जो है आई इज ग्रेटर देन आई सी, इस कलर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है, बड़ा है, तो इस कलर का जो है होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये उसी मीडियम में वापस लौट आती हैं। ग्रीन का देखिए, ग्रीन वाले के लिए है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ये होता है यहां पे, तो ये तो ग्रेजिंग इमर्जेंस वाला केस हो गया। अब है येलो, ऑरेंज और रेड, इस दशा में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस इक्वल क्रिटिकल एंगल है, ये रिफ्रैक्शन का केस है। देखिए यहां पे इन तीनों कलर के लिए, तो इसी व्हाइट रे के लिए आप देखिए, इन तीनों के लिए टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का केस है, जिसमें आई का वैल्यू जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, और इन तीनों के लिए आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से छोटा है, और जी के लिए, ग्रीन के लिए जो है आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के इक्वल है।
अब यहाँ देखिए क्रिटिकल एंगल प्रोपोर्शनल लैम्डा। अब विद्यार्थी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो और बनने वाले हैं, अगर इस आई को हम बढ़ाएं तो लैम्डा का कांसेप्ट जो हम लोग जानते हैं वो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वायलेट का सबसे कम होता है। यस, तो रेड कलर का वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा होता है तो इसका क्रिटिकल एंगल भी सबसे ज्यादा होगा। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो इसका क्रिटिकल एंगल भी सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए इसको यहां पे लाने, ग्रीन के स्थान पे रेड आ जाए, ये कब संभव है? ये अपना स्थान चेंज नहीं करेंगे। अब इसे आई को आपको बढ़ाना पड़ेगा, आई को बढ़ाएंगे तब जाके रेड जो है यहां पे आएगा। ये ऐसे रहेगा, ऐसे जब घुमाएंगे हम आगे आई को और बढ़ाएंगे तो ये सब नीचे उतरेंगे तो रेड जो आ जाएगा ग्रीन के स्थान पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल का मान सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम किसके लिए होता है? वायलेट के लिए। ये देखो अब इसी फिगर को ऐसे करना होगा आपको, ये सब ऊपर उठेंगे, ये सब ऊपर उठेंगे तो आई नीचे आएगा, आई जब नीचे आएगा तो ग्रीन के स्थान पे वायलेट हो जाएगा। ऐसी दशा में क्रिटिकल एंगल का मान जो है वायलेट कलर के लिए सबसे कम होगा और रेड के लिए सबसे ज्यादा, ध्यान दिया जाए। तो एक यहां से भी इतना क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो एक क्वेश्चन ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये, तीन क्वेश्चन आपका यहां पे हो गया। और 3, 2, 5 रेड कलर का क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगा और वायलेट का सबसे कम, तो 5 क्वेश्चन यहां से आपका बन रहे हैं। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई इज 3500 एंगस्ट्रॉम एंड 7000 एंगस्ट्रॉम, देन क्रिटिकल एंगल विल बी। तो गिवन है विद्यार्थी लैम्डा डी इक्वल टू 3500 एंगस्ट्रॉम। तीसरे लैम्डा डी डेंसर मीडियम का वेवलेंथ हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डेंसर मीडियम में वेवलेंथ कम होता है जबकि रेयर मीडियम में वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसीलिए इसे लैम्डा आर कहा गया है। तो साइन आई सी इक्वल टू म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर था, तो इसके अपोजिट रहता है क्या? वेवलेंथ और वेलोसिटी वाला केस। तो साइन आई सी इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन लैम्डा रेयर, डी डेंसर और आर रेयर के लिए, बस ये वैल्यू हमको मालूम है बस। तो ये है 3500 एंगस्ट्रॉम अपॉन 7000 एंगस्ट्रॉम, तो ऐसे में ये 1/2 आ रहा है, 1/2 ये साइन 30 की वैल्यू है, यह है साइन आई सी, तो आई सी इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल आपका 30 डिग्री है, इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 3 देखा जाए विद्यार्थी। ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस 4 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, द मिनिमम डायमीटर ऑफ ए डिस्क विच शुड बी प्लेस्ड ओवर द सोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर टू कट ऑफ ऑल लाइट कमिंग आउट ऑफ वाटर इज, और उसका म्यू दिया है 5/3। ये वाटर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है कोई सोर्स है, ध्यान दें। तो ये केस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसके अंदर जितनी लाइट होगी वो जो है एयर में जाएगी, लेकिन ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो ये ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा और आगे की जितनी रे है सब वाटर में ही वापस लौट आएगी, तो आगे की लाइट का कोई मतलब नहीं है। तो आपको जो लाइट दिख रहा है इसी डिस्क शेप में जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसी से ऊपर जाते हुए दिखेगा सब, यस। तो इसी का डायमीटर चाहिए, ध्यान दें। तो डायमीटर यानी 2R चाहिए, तो इसके लिए यहां पर देखा जाए क्रिटिकल एंगल का सहारा लेंगे, साइन आई सी इक्वल टू होता है 1/μ, तो 1/μ के स्थान पे 5/3 हम रख दिए तो आया 3/5। तो इसको एक ट्रेंगल बना लेते हैं, इसको एक ट्रेंगल बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5 हो गया, उस आधार पर बेस अपने आप 4 हो जाएगा, यस।
अब यहां से टेन आई सी देख लेते हैं, तो टेन आई सी इक्वल टू होता है 3/4। यस, टेन आई सी का पता चल गया, तो टेन आई सी इस फिगर से भी अब निकाल लेते हैं, टेन आई सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, तो आर अपान एच है, आर अपान एच बराबर 3/4 है। तो यहां से आर इक्वल टू हो जाएगा एच इंटू 3/4, और एच दिया हुआ है, एच दिया है हमको कितना 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 3 मीटर, रेडियस 3 मीटर आ गया। यस, तो डायमीटर, तो डायमीटर यानी 2r हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 मीटर। तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन बी करेक्ट है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर कुछ और क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। एरिया ऑफ लाइट प्रोपेगेट्स फ्रॉम ग्लास, म्यू इक्वल टू दिया है 3/2, टू वाटर म्यू दिया है 4/3, द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल। यस, ग्लास के लिए म्यू दिया है, तो ये म्यू डी हो गया, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 3/2 है, और ये वाटर है तो ग्लास के कंपेरिजन में वाटर रेयर है, तो म्यू रेयर इजल टू 4/3 दिया है। तो साइन आईसी का जो फार्मूला होता है म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, तो यहां पे रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये है म्यू रेयर, ये है 4/3, म्यू डेंसर ये है 3/2। यस, तो ये 4/3 ये उल्टा हो जाएगा 2/3, तो ये आ रहा है 8/9 साइन आई सी इक्वल टू, तो आई सी इक्वल टू आ रहा है साइन इनवर्स 8/9। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 देखा जाए विद्यार्थी। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल वाटर का बड़ा होगा या क्रिटिकल एंगल ग्लास का, ये आपको बताना है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए जो विद्यार्थी ऑप्शन में सिंबल दिया है वो सी दिया है, तो कुछ लोग सी लिखते हैं, कुछ लोग आई सी लिखते हैं, तो ध्यान दें। तो क्रिटिकल एंगल साइन सी डब्ल्यू मतलब वाटर के लिए लिखा गया है, तो 1/μw हो जाएगा, और अगर हम ग्लास की बात करें तो साइन सी जी इक्वल टू 1/μg। हम लोग ये जानते हैं कि म्यू जी का मान म्यू डब्ल्यू से ज्यादा होता है, ध्यान दे, तो ये उल्टे का रिलेशन है, अपने आप बिना ये सब लिखे ही हमें टिक लगा देना चाहिए। तो जैसे आई जी आई सी इक्वल टू प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, तो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। तो जिसका कम होगा, म्यू डब्ल्यू कम है, तो कम है तो 1/ करने पर ये वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, तो यहां पे ज्यादा आएगा, यहां म्यू जी ज्यादा है, जिसका नीचे वाला ज्यादा है वो वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, तो एक मतलब साइन सी जी छोटा है, तो यही चीज यहां पे लिखा है साइन सी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन साइन सी जी, तो यहां से सी डब्ल्यू क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये सब यहां लगाने की जरूरत नहीं थी, ध्यान दे, बिना सॉल्व किए आपको पता चल सकता है ये चीज, क्योंकि उल्टे का रिलेशन होता है, जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल छोटा होगा, जिसका म्यू कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा। तो वाटर का म्यू ग्लास के कंपेरिजन में कम है, इसीलिए वाटर का क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर कुछ और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया m1 and m2 इज 1.5 × 10⁸ m/s एंड 2 × 10⁸ m/s रिस्पेक्टिवली। एरिया ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम मीडिया m1 टू m2
एट एन इंसिडेंस एंगल आई इफ द रे सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ आई इज। यहां से देखा जाए तो साइन आई सी इज इक्वल टू होता है डेंसर मीडियम में वेलोसिटी अपॉन रेयर मीडियम में वेलोसिटी होता है। तो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होता है तो जिसकी वेलोसिटी कम है वो डेंसर में रहा होगा और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो रेयर में रहा होगा। तो डेंसर में कौन है 1.5 इंटू 10^8 ये डेंसर में, इसके कंपेरिजन में रेयर में है 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। इससे कैंसिल हो जाएगा 15/2.0 तो आएगा 15/20 5 × 15 = 20। तो आई सी इक्वल टू आ रहा है साइन इनवर्स 3/4। यस, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो विद्यार्थी शर्त है वो है आई इज ग्रेटर इक्वल आई सी। ये है कंडीशन, केवल ग्रेटर नहीं है इक्वल होता है, इक्वल भी होता है, ध्यान दिया जाए। तो इस कंसेप्ट पे देखिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है। तो यहां देखिए इक्वल टू आर लेस देन साइन इनवर्स 3/5 एकदम गलत है। बी देखें इक्वल टू आर ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4 तो ऑप्शन बी करेक्ट है विद्यार्थी यहां पर। तो आपका क्रिटिकल एंगल इतना आया, साइन इनवर्स 3/4 ये है, चाहे इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो तो जाके आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस होगा। क्वेश्चन 7 देखा जाए विद्यार्थी, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम म्यू फॉल्स ऑन ए सरफेस सेपरेटिंग द मीडियम फ्रॉम एयर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 degrees फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ म्यू द रे कैन अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए विद्यार्थी वो म्यू की कौन सी वैल्यू करेक्ट है ये आपको देखना है। तो आई इज ग्रेटर इक्वल आई सी होता है तो अभी पता चल जाएगा, देखते हैं। तो आई इज ग्रेटर देन आई सी लेके हम लोग चल रहे हैं। तो आई यहां कितना है 45 degrees आपको दिया गया है एंगल, यस, और आई सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहले पहले ये कंडीशन तो पूरा हो। तो ये आई इज ग्रेटर देन आई सी हो गया तो आई की वैल्यू दिया 45 तो साइन 45 इज इक्वल टू साइन आई सी। साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2 इज ग्रेटर देन साइन आईसी का स्थान लिख सकते हैं 1/μ, यस। तो अगर म्यू से हम दोनों तरफ प्रोडक्ट कर दें तो हो जाएगा μ/√2 ग्रेटर देन μ/μ1 हो जाएगा, यस। अगर ये वैल्यू जो है एक से बड़ा है तो ये तब संभव होगा जब म्यू का मान √2 से बड़ा हो। तो यहां से कहेंगे म्यू इज ग्रेटर देन √2 तो म्यू इज ग्रेटर देन √2 मतलब 1.414 इतना होता है। तो म्यू का मान इतना या इतने से बड़ा जो ऑप्शन में है वही करेक्ट होगा। तो इतना भी कोई नहीं है, 1.40 है ये, जो कि इससे कम है तो जाहिर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में ये नहीं आएगा। इससे बड़ा जो ऑप्शन है केवल यही ऑप्शन डी है विद्यार्थी और ये करेक्ट होगा, यस। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए, इफ लाइट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो विद्यार्थी ये फिगर हमको दिया हुआ है, यस। तो ये यहां पे एयर है, यहां से लाइट इंसिडेंट हुआ और ये डेंसर मीडियम है तो यहां पे लाइट नॉर्मल की ओर बेंड हुआ और यहां पर जो है ये ग्रेजिंग इमर्जेंस का केस हो जाता है, मतलब आर इज इक्वल टू 90 degrees हो गया। तो इसका मतलब ये एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल है, यस।
तो ये थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है विद्यार्थी। यस, तो पहले आईसी की हम व्यवस्था करें, तो आईसी देखें, साइन आईसी इक्वल टू होता है 1/μ, और म्यू हमको दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये दिया गया है 1/μ का स्थान पे 2/√3, या इसे लिख सकते हैं √3/2। अब ये है साइन 60 का मान है, साइन 60 की वैल्यू है, तो आईसी क्रिटिकल एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री। ये इतना 60 डिग्री है और ये यहां पे 90 डिग्री है, ये कितना होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा विद्यार्थी। यस, अब यहां पर हम लोग जो है स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ लगाइए भाई। यहां ये रेयर मीडियम में है, म्यू रेयर इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू डेंसर इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री आया, ये जब 60 हो गया तो ये 30 होगा। यस, अब वैल्यू लिखते हैं, म्यू रेयर मतलब ये एयर है, तो एयर के लिए 1 होता, 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू डेंसर, ये 2/√3 हमको दिया है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू आया 1/√3, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स 1/√3। तो ये इसका आंसर हो गया विद्यार्थी इस थीटा का। तो ऑप्शन के रूप में नहीं है तो आप यही आप जानिए थीटा की वैल्यू क्या होगा इस दशा में। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच द रे आर नॉट रिफ्रैक्टेड बाय द सरफेस एसी। तो यहां से देखिए, एक इंसिडेंट रे है यहां गया, और ये जो है रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये थीटा दिया हुआ है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया, 90 माइनस थीटा होगा। यस, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है तो ये फिर थीटा हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर है तो फिर ये 90 माइनस थीटा होगा। बहरहाल ये दिया हुआ है, ये 90 माइनस थीटा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस तब आएगा विद्यार्थी जब 90 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल, या क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। यही है हमारे पास कॉन्सेप्ट। यस, तो पहले क्रिटिकल एंगल का पता तो चले, तो पहले क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। तो साइन आई सी इक्वल टू है μr/μd। म्यू आर मतलब ये रेयर है, रेयर है तो 1 होता है, म्यू डी डेंसर मीडियम का म्यू हमको दिया है 3/2, हमने रख दिया तो आ गया 2/3। साइन आई सी इक्वल टू 2/3, तो आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। तो क्रिटिकल एंगल हमें पता चल गया, तो 90 माइनस थीटा ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए या बड़ा हो जाए, तब जाके ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस होगा, मतलब इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये इधर ही वापस आ जाएगा। तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां देखें 90 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन क्या, आई सी क्रिटिकल एंगल, या इक्वल भी लगाएंगे तो चलेगा, 90 माइनस थीटा इज ग्रेटर इक्वल आई सी की जो वैल्यू आई, ये भी एंगल है ना, साइन इनवर्स 2/3 ये एंगल है, यहां पर लिख दी। अब इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए, ये साइन इनवर्स है तो दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, दोबारा दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा ग्रेटर इक्वल साइन इन ब्रेकेट साइन इनवर्स 2/3। तो साइन साइन इनवर्स ये कैंसिल हो जाता है, बचता है 2/3। ये मैथ वाले लड़के अच्छे से जान पाएंगे ये चीज, साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, आता है क्या 2/3। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज ग्रेटर इक्वल 2/3। देखिए विद्यार्थी, कास का एंगल जब छोटा होता है तो वैल्यू बड़ा आता है, जैसे कास 0/1 होता है, तो ये उल्टे का रिलेशन है। अगर कास थीटा इज ग्रेटर देन 2/3 दिया है तो थीटा इज लेस देन कास इनवर्स 2/3 होगा, तो ये आपका आंसर हो गया विद्यार्थी। यस, तो थीटा इज लेस देन कास इनवर्स 2/3 अगर ऑप्शन में है तब भी करेक्ट है, थीटा इज लेस इक्वल कास इनवर्स 2/3 है तब भी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ध्यान दिया जाए विद्यार्थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो इस कंसेप्ट पर विद्यार्थी जितना क्वेश्चन बन सकता था हर टाइप का क्वेश्चन हमने कवर किया, तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।